तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक स्टूडेंट है, आपको नाम बताओ? मोहम्मद सलीम। तो ये फोन आपका है, बताओ ये कहाँ से लाए? ये आपका ये फोन है ना? हाँ, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है जरा एक बार बताओ। इसके अंदर ये लिखा रहा है ऑन द नेट, देखो क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये मॉडल के नंबर बताओ, मॉडल नंबर क्या है इसका? MI Note 7 Pro। चलो, तो यहाँ पे MI का Note 7 Pro मॉडल है जिसके अंदर ऑन करते ही फॉल्ट आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है इसमें? सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। चलो, तो देख सकते हैं आप, ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट बताओ? इसको फ्लैश करने वाले हैं। तो पहले ये चीज हम फ्लैश करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे भाई सब लोग? अगर फ्लैशिंग के बाद भी सेम कंडीशन पे अगर होगा तो फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? EMMC का अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन पहले डायरेक्ट EMMC पे अटैक करेंगे क्या? तो पहले हम फ्लैशिंग करके देखेंगे। तो फ्लैशिंग हम स्टूडेंट से ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस, आपको यहाँ पे लाइव दिखाएंगे। तो आप करके बताओ क्या क्या करना है। सबसे पहले दोनों से चलाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे टूल ओपन कर रहे हैं। कौन सा टूल ओपन हो रहा है? QC5। तो ये हमारा CPU कौन सा है? Note 7 Pro में। चलो ठीक है, तो वैसे हमने इसकी फाइल कहाँ पे रखी है? हमने डेस्कटॉप पे। क्यों रखी है? आपको मालूम है क्यों डेस्कटॉप पे रखना रहता है? जिससे काम जल्दी होता है, काम फास्ट होता है और कोई भी एरर जल्दी नहीं आता फ्लैशिंग में। तो यहाँ पे देखते हैं, टूल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट करेंगे। चलो, उसके बाद यहाँ पे टूल आपका ओपन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? चलो, फ्लैश फाइल में आपको यहाँ पे पहले टिक लगाना होगा, दोनों पे टिक लगा लो, ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं। फाइल कहाँ पर रखी हमने? डेस्कटॉप पे आएंगे। उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर है, ठीक है, Note 7 नाम से नहीं आता, वायलेट नाम से आता है। क्या नाम से आ रहा है? वायलेट। देखो कहाँ पे वायलेट ढूंढो, नीचे आएगा एकदम, ये हमारी वायलेट बोले तो नोट 7 प्रो मॉडल होता है। चलो, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है? उसके बाद प्रो प्रोग्राम जीरो को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? वेरी गुड, ओके कर लो। तो यहाँ पे हमारी फाइल क्या हो गई है? लोड हो गई है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? पैच फाइल को, हाँ पैच भी ले लो, कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे ले लेता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्लैशिंग में, क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे अभी आपका फोन कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए अभी आपको फोन को कनेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे अभी बता रहा है फोन कनेक्ट नहीं किया, जरा फोन कनेक्ट करो। कौन से मोड में कनेक्ट होता है? तो टाइप सी का केबल इसको कनेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे हम PC से। तो सबसे पहले इसका ideal test point पता होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं पता तो कहाँ जाके सर्च करेंगे हम? गूगल में, ठीक है? उसके बाद इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे, बिना बैटरी का ही फ्लैश करते हैं इसको। कॉल सर, चलो बैटरी निकाल दी है, चलो अब केबल कनेक्ट कर लो। उसके बाद टेस्ट पॉइंट को टच करेंगे और फोन को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पोर्ट बना दिया है क्वालकॉम का, और यहाँ पे हमारी सबसे पहले CPU की इंफॉर्मेशन लेगी कि इसमें CPU कौन सा नंबर का लगा हुआ है, ठीक है? उसके बाद इसकी EMMC का इंफॉर्मेशन लेगा, है ना? तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को ये खुद ब खुद बाईपास कर देगा। हो गया बाईपास, ओके। नेक्स्ट EMMC को बताएगा, अगर EMMC ठीक से नहीं लगी है या डेड हो गई है तो यहाँ पे आएगा फेल्ड। तो यहाँ पे क्या लिख के आया? ओके। EMMC का स्टोरेज भी आ गया, तो हमारी यहाँ पे फ्लैशिंग क्या हो गई है? स्टार्ट, ठीक है? पूरा वेट करते हैं, फ्लैशिंग होने के बाद देखेंगे फोन हमारा ऑन होता है तो सेम कंडीशन पे होगा या पूरा कंप्लीट ऑन होगा, ठीक है? तो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का प्रॉब्लम दो तरीके से भी आता है। एक तो आपकी फाइल करप्ट होने की वजह से भी आता है फोन में, या अगर EMMC हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसके वजह से भी क्या होता है आपका सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आएगा। तो पहले तो इजी वे में करेंगे हम फ्लैशिंग, उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो EMMC का भी हम काम करेंगे। तो पहले इसके लिए वेट करते हैं, 5 मिनट्स कम से कम इसके अंदर लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ, आपका आज का क्लास कितना दिन चल रहा है सॉफ्टवेयर का?
सभी को बताऊंगा। तीसरा दिन है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। पहले दिन आपका मीडिया टेक का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मीडिया टेक आपको फ्लैशिंग कितने तरीके से बताए? पांच है। और करने के लिए तरीके फ्री और पेड दोनों से बताए ना, क्या खाली डोंगल से ही कर सकते हैं? पूरा काम फ्री से भी कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, MI अकाउंट निकाल सकते हैं, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। तो फ्री में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? yes, sir, yes, sir. क्या जरूरी है UMT से लेना, अनलॉक पुल से लेना? yes, sir, yes, sir. लेकिन आपको वो भी लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं करेंगे हम, वो भी लेना जरूरी है, टाइम पे वो भी काम आता है, yes, है ना। तो आपको दोनों तरीके से सीखने मिल रहा है यहाँ पे, फ्री टूल और पेड वाले टूल। आज का कौन सा क्लास चल रहा है? तो क्वालकॉम के अंदर आपको फ्लैशिंग अभी जो बताया है, तो ये इजी है कि एकदम हार्ड है? बहुत इजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट से ही करवा रहे हम सारा फ्लैशिंग वगैरह। अब इसके बाद एरर्स भी देखेंगे हम, मतलब फ्लैशिंग तो हर कोई सीख जाता जल्दी से, लेकिन मेन चीज क्या रहती है? एरर हम सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। बहुत सारे एरर देखने मिलते हैं। अब इसमें कौन सा एरर आएगा और उसके अंदर कौन सा काम करना है, तो वो एरर समझना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्लास में आपको यहाँ पे लाइव बताएंगे जो एरर आएंगे उसके ऊपर डायरेक्ट उसी पे काम करना है जो एरर होगा। ऐसा नहीं है कि ये एरर आ रहा है चलो ये करके देखते हैं, चलो वो करके देखेंगे, चलो यहाँ CPU में फॉल्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा एरर का, समझ में आ गई बात? तो चलो यहाँ पे देखते हैं, सिस्टम फाइल राइट हो रही है हमारी, आधी हो चुकी है, 62% हो गई है, ठीक है। उसके बाद फोन रिबूट होगा फ्लैशिंग होने के बाद, फिर हम चेक करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम की फाइल राइट हो चुकी है, डन हो गया। अब हमारी वेंडर फाइल यहाँ पे राइट हो रही है, उसके बाद यूजर डाटा भी होगी और उसके बाद फिर हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर एक फाइल को देखना है, याद रखो कौन से फाइल पे एरर आ रहा है। अब इसके पहले कौन से फाइल पे एरर आ रहा था? मॉडेम पे आ रहा था। तो अब दो बार हमने ट्राई करके देख चुके, तो प्रॉब्लम किस में निकला? फाइल में निकला ना। तो आपको ये एरर देखना आना चाहिए, हर एक फाइल को ऑब्जर्व करना है भाई। ऐसा नहीं है कि फ्लैशिंग लगा के छोड़ दिए, साइड में रख देंगे और दूसरा काम करेंगे। तो आपको हर एक फाइल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना भी है कि कौन सी फाइल पे एरर आ रहा है। चलो एक बार एरर आया तो वापस से ट्राई करना कि वो सेम फाइल पे एरर तो नहीं दे रहा। तो हमने दूसरे बार ट्राई किए ना, सेम फाइल पे क्या हुआ? तो यहाँ पे सारे चीजें देखनी रहती है। ये सारा फाइल जो है, देखो यहाँ पे पहले रीडिंग इन्फॉर्मेशन पे फेल हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये सारे MMC का इन्फॉर्मेशन होता है, ये CPU का इन्फॉर्मेशन होता है, ये पूरा एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर भी हमारी राइट हो चुकी है और यूजर डाटा भी यहाँ पे फ्लैश होने वाला है। तो ये भी हमारी फ्लैश कंप्लीट हो गई है यूजर डाटा की, और यहाँ पे हमारा अब सेट बूटेबल ड्राइव हो रहा है, और साथ में FRP भी क्या करेगा ये देखो, रिसेटिंग FRP लॉक डन, ऑपरेशन फिनिश। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, फोन फ्लैश कंप्लीट हो गया। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे, एक बार फोन को फ्लैशिंग यहाँ पे हो गई है। एक बार फोन में प्रॉब्लम हमारे जो है बैटरी निकाल के केबल निकाल के बैटरी लगा लो और एक बार चेक करते हैं। अगर ये सेम कंडीशन पे होगा तो इसके लिए अंदर हम MMC का काम करेंगे। थोड़ा चार्जिंग लगा लो, बैटरी डाउन होगी तो। ठीक है, MI लोगो आ गया, ठीक है, वेट करते हैं। फर्स्ट लोगो आया है, जब सेकेंड लोगो अगर आ जाता है तो हमारा फोन क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं। अभी तक तो ये एरर आ जाता था, है ना, सिस्टम हैज बीन रिस्टोर्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड लोगो आ चुका है, एक बार इंस्पेक्ट किया।
तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? तो पहले आपको हर बार जब ऐसे प्रॉब्लम देखने मिलेंगे सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का, तो सीधा आप इम्यूनसी पे अटैक करेंगे क्या? भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले तो फ्लैशिंग होगा, फ्लैशिंग में अगर जो टाइप का एरर आएगा उस टाइप के हम ऊपर काम करेंगे। थोड़ा सा इसे रखो, दिखाओ जरा यहाँ पे, पूरा ऑन होने तक देखेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली हमने एक मेथड यूज किया फ्लैशिंग करके। पहले फ्लैशिंग में अगर नहीं होता तो हम इम्यूनसी भी देख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारा ये नॉर्मल में क्या हो गया, फोन ऑन हो गया। तो ये इजी वे है एकदम सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का। तो यहाँ पे हमने ये एक स्टूडेंट से ही करवाया है पूरा काम, तो सब लोग कर सकते हैं फ्लैशिंग कॉल करके। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जरा इनको बताएं, यहाँ पे कितने लोग फ्लैशिंग कर सकते हैं बताओ जरा एक बार, सब लोग कर सकते हैं फ्लैशिंग? इजी है, हार्ड है? इजी है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट मिनिमम, 5 मिनट भी ले सकता है ये ऑन होने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन मेरा वेलकम स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार इनके लिए क्लैप करो। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। फोन यहाँ पर सेटिंग जो हमारी है वेलकम सेटिंग यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। चलो आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है फोन, लास्ट सेटअप पे यहाँ पे वेट कर रहा है, लोडिंग हो रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे, मैं स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, तो आप, आपका फिर से एक बार नाम बोलो। आप कहाँ से? आप यहाँ लोकल से ही हो, मतलब यहाँ के ही है स्टूडेंट। तो ये फोन किसका भाई, इंस्टीट्यूट का है कि इनका है? इनका ये साथ में लेके है ना बाप। तो ये प्रॉब्लम जो था अभी पहले बनाने में क्या होता था, डर लगता था क्या हो सकता है फोन डेड होगा। अब मुझे बताओ पूरा कॉन्फिडेंस में आप कर सकते हो कोई भी काम बिना डेड रिस्क? डेड रिस्क कब रहता है, जब नॉलेज नहीं रहती चीजें की। अब आपको हर एक चीज का नॉलेज आ रहा है, ठीक है। इरर्स के बारे में पता चल रहा है, फाइलों के बारे में पता चल रहा है, फाइल कौन सी डालना, कब डालना, कैसी है ना। अगर पहले हम यूट्यूब देख के सब कर रहे थे काम, तो फोन क्या हो रहे थे ज्यादातर बंद हो रहे थे ना भाई, प्रोसेस देखने के बाद। अब जरूरत पड़ेगी कभी यूट्यूब देखने की ये सारे प्रोसेस सीखने के लिए या एरर देखने के लिए, जरूरत है कभी? चलो एक बार सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ऑन होने के बाद स्टॉप स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोन कम्प्लीटली ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे फोन फ्लैशिंग के, इससे ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। और इसमें सिक्योरिटी भी देखेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे IMEI नंबर भी ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स,